A very beautiful good morning to all of you, 8th class. I hope you all students are doing well and I welcome you all in your history class lecture 5. So students, hum chapter 7, civilizing the native, educating the nation discuss kar rahe the, theek hai. So last lecture mein humne jo paragraph padha tha, usme humne padha tha education for commerce, theek hai. Is paragraph mein humne baat ki thi bachche wood dispatch ki. आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. सो लेट स्टार्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स. उस टाइम पे जो लोकल स्कूल्स थे उनके साथ क्या हो रहा था, ठीक है. डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स एंड इफ देयर वर स्कूल्स, व्हाट हैपेंड टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल. सो स्टूडेंट्स, क्या आपको आइडिया है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो उस टाइम पे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? क्या उस टाइम पे स्कूल्स हुआ करते थे? अगर होते थे तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन स्कूल्स में कौन कौन सी चेंजेस आई? सो बच्चे, हम एजुकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके. द रिपोर्ट ऑफ विलियम आदम. सो बच्चे, प्री ब्रिटिश टाइम्स में कैसी एजुकेशन थी एंड जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाई, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट में जो कि दी थी विलियम आदम ने, ओके. इन द 1830s विलियम आदम, अ स्कॉटिश मिशनरी, टूर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार. ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स. द रिपोर्ट आदम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग. सो स्टूडेंट्स, विलियम आदम कौन थे? विलियम आदम 1830s में इंडिया आए थे, ठीक है. और वो कहाँ से आए थे? स्कॉटलैंड से आए थे और वो एक स्कॉटिश मिशनरी थे जिन्होंने टूर किया था इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स का, जिसका नाम क्या क्या था? बंगाल एंड बिहार. ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी. तो बच्चे, उनको कंपनी ने भेजा था, उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन चली आ रही है बंगाल एंड बिहार में उसके ऊपर, उसकी जो एजुकेशन की प्रोग्रेस है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है एजुकेशन में, उस पर आप एक रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है. कंपनी ने कहा था किसको? विलियम आदम को, जो कि स्कॉटिश मिशनरी थे, ठीक है. तो बच्चे, जो विलियम आदम ने रिपोर्ट बनाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. सो बच्चे, वर्नाकुलर स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जिनको लोकल लैंग्वेज में रन किया जाता है, ठीक है. एंड उन स्कूल्स में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है. वर्नाकुलर स्कूल्स की रिपोर्ट बनाने को कहा गया था विलियम आदम को. किसने कहा था? कंपनी ने, ठीक है, कि वर्नाकुलर स्कूल जो हैं उनमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है उस पर रिपोर्ट बनानी थी. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रिपोर्ट बनाई आदम ने वो इंटरेस्टिंग क्यों थी. आदम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार. दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच, बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बींग टॉट इन दीज पाठशालाज वॉज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख. These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher guru. So students, आदम ने देखा कि बंगाल एंड बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाज हैं, ठीक है. और उन्होंने ये भी देखा कि बंगाल एंड बिहार में स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, पर उन इंस्टीट्यूशंस में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं. बट जो पाठशालाज थी 1 लाख के ऊपर जो पाठशालाज थी उनमें 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे थे, ठीक है. और इन पाठशालाज को कौन रन करता था? वेल्दी पीपल, जो अमीर लोग थे, और द लोकल कम्युनिटी, और जो लोकल पीपल थे बंगाल एंड बिहार के. और उस टाइम पे जो पाठशालाज थी उनमें कौन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था? टीचर, जिसको उस टाइम पे गुरु कहा जाता था, ओके. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल. फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टूडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट द टाइम. देयर वर नो फिक्स्ड फी.
no printed books, no separate school building, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examinations, and no regular timetable. In some places, classes were held under a banyan tree. So students, जो education थी वो कैसी दी जा रही थी? Flexible, ठीक है? आज के डे में जैसे हम एजुकेशन ले रहे हैं, उस टाइम पे वैसी एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी. उस टाइम पे ना तो फिक्स्ड फ़ी जो थी वो फिक्स थी, ठीक है, ना जैसे आप बुक्स से पढ़ाई कर रहे हो, अभी प्रिंटेड बुक्स है ना, ना वैसी बुक्स थी, ना स्कूल बिल्डिंग थी, बेंचेस नहीं थे, चेयर्स नहीं थी, बच्चों की अलग अलग क्लासेस नहीं ली जाती थी, जैसे आप 8th क्लास में हो आपकी अलग क्लास होती है, वैसे क्लासेस नहीं थी, बच्चों के रोल नंबर नहीं थे, एग्जामिनेशंस नहीं होते थे और टाइम टेबल भी रेगुलर नहीं था. एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल था, ओके. बट बच्चे, कुछ प्लेसेस ऐसी थी जहाँ पे जो क्लासेस ली जाती थी गुरु द्वारा, वो ट्री के नीचे लिया जाता था, ठीक है. बनियान ट्री होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, उसके नीचे जो गुरु थे वो बच्चों को एजुकेशन देते थे, उनकी क्लासेस लेते थे, ठीक है. इन अदर प्लेसेस, इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम. कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे जो गुरु थे, जो विलेज है, ठीक है, जो गांव होता था ना, उसके कोने में अगर कोई शॉप होती थी या कोई मंदिर होता था, वहाँ क्लास ले ली जाती थी, ठीक है, या जो गुरु था वो अपने घर में ही बच्चों को पढ़ा देता था. तो बच्चे, आप इस पिक्चर से देख पा रहे हो कि ये जो है, ये गुरु हैं, ये बच्चों को टीच कर रहे हैं. तो उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो एट प्रेजेंट जैसा अभी है वैसा बिल्कुल नहीं था, ओके. फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन द पोर. टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड वॉट टू टीच इन अकॉर्डेंट विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, जो फी थी वो डिपेंड करती थी पेरेंट्स की इनकम पे, ठीक है. जो ज़्यादा अमीर थे वो ज़्यादा फ़ी पे करते थे, और जो पोअर थे उनकी जितनी वो पे करना चाहते थे वो उतनी ही पे करते थे, ठीक है. जो सिस्टम था फ़ी का वो कोई भी रेगुलर नहीं था, वो इनकम ऑफ द पेरेंट्स पे डिपेंड था, ओके. और जो उस टाइम पे टीचिंग की जाती थी गुरु द्वारा, वो ओरल थी, और गुरु ही डिसाइड करता था कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है. बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस. जो बच्चे थे उनको डिफरेंट क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस में नहीं बिठाया जाता था, नहीं अलग किया जाता था. ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस. सारे बच्चे मिलजुल के एक ही जगह पे बैठते थे. द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग. सो बच्चे, गुरु जो थे, टीचर जो थे, वो इंटरेक्टेड करते थे बच्चों से अलग अलग, ठीक है, सेपरेटली. उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है, और जो गुरु थे वो ग्रुप में बच्चों से इंटरेक्ट करते थे. एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू लोकल नीड्स. फॉर इंस्टांस, क्लासेज वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम वेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स. द पाठशालाज स्टार्टेड वॉन्स अगेन वेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड. दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिलीज कुड स्टडी. सो स्टूडेंट्स, एडम कौन थे? स्कॉटिश मिशनरी, ठीक है. उनका मानना ये था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है एजुकेशन का, वो किसके अकॉर्डिंग है? लोकल पीपल्स के अकॉर्डिंग, लोकल लोगों की जो लोकल नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है. फॉर इंस्टांस, क्लासेज वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम. सो बच्चे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है. हार्वेस्ट होता है बच्चे कटाई, जैसे मक्की लगाई जाती है तो मक्की की कटाई भी की जाती है ना, तो वो जो कटाई का टाइम हो गया वो कौन सा टाइम हो गया? हार्वेस्टिंग टाइम. सो बच्चे, हार्वेस्ट के टाइम पे जो रूरल चिल्ड्रन थे, जो गाँव के बच्चे थे, वो अपने अपने खेतों में काम करते थे, इसलिए हार्वेस्ट के टाइम पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी, ठीक है. पाठशालाज में एजुकेशन दोबारा स्टार्ट की जाती थी
जब जो क्रॉप्स हैं वो कट जाती थी और उनको एक जगह पे स्टोर कर दिया जाता था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो फार्मर्स के बच्चे हैं, वो भी एजुकेशन ले पाएं। सो बच्चे, हमने आदम विलियम आदम की रिपोर्ट से ये अंडरस्टैंड किया कि जो उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, लोकल स्कूल्स में, वो कैसा था? फ्लेक्सिबल था, फिक्स्ड फी नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, बच्चों को बनियान के ट्री के नीचे पढ़ाया जाता था, गुरु जो थे वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। जब सब कुछ कट हो जाता था, स्टोर हो जाती थी सारी जो क्रॉप्स हैं, उसके बाद दोबारा एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी पाठशालाज में, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे भी पढ़ पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल्स पैराग्राफ में कोई भी डाउट होता है, तो बच्चे आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।